संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के पीछे लोगों की बहुत आस्था है। इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो भक्तजनों को यहाँ खींच ले आता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज धरोहर पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के सफर पर। ये मंदिर हिंदू भगवान हनुमान जी के पवित्र मंदिरों में से एक है। संकट मोचन शब्द का अर्थ है दुखों को हरने वाला। वाराणसी का यह मंदिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1900 के करीब बनवाया था। इन्होंने भारत की आजादी के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। वाराणसी में कई मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर कुछ खास है। मंदिर परिसर में 5.5 एकड़ में फैला 600 साल पुराना जंगल भी है। मान्यता है कि इसी जंगल में तुलसीदास को तपस्या के दौरान भगवान हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तुलसीदास जी ने यहीं भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और ये स्थान बाद में संकट मोचन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। बताया जाता है इस जंगल में कदंब की ऐसी प्रजाति का भी एक वृक्ष है जो यहाँ के अलावा सिर्फ मथुरा में मिलता है। इसी कदंब की एक डाल हर साल नागनथैया की लीला में भेजी जाती है। इस जंगल के बीच एक तालाब भी है और मंदिर प्रशासन की ओर से इस तालाब का खास ध्यान भी रखा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री राम के सामने भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जो इस मंदिर को और दूसरे मंदिरों से अलग करती है। हर मंगलवार और शनिवार को हजारों की तादाद में लोग भगवान हनुमान जी को पूजा अर्चना अर्पित करने के लिए भीड़ में खड़े रहते हैं। माना जाता है संकट मोचन मंदिर में नियमित रूप से आराधना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस मंदिर को बानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर के आसपास बंदरों की बहुत संख्या है। इसका दृश्य देखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ इस मंदिर में रमे हुए हैं। हमने देखा होगा सभी भगवान हनुमान जी के मंदिरों में सबसे पहले आरती भगवान हनुमान जी की होती है, लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में सबसे पहले मंदिर में स्थापित नरसिंह भगवान की आरती होती है। लेकिन बात करें हनुमान जयंती, राम जयंती और सावन के महीने की, तो दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आप भी जरूर इस मंदिर के दर्शन के लिए जाएं। संकट मोचन भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इस मंदिर का सफर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर पाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।